हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरवी की सब्ज़ी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी लाजवाब और कितनी रसीली और टेस्टी है। जो भी खाएगा सिर्फ आपकी तारीफ़ करेगा, और इसमें मसाले भी नहीं हैं। ये झटपट बन के तैयार हो जाएगी। आपने अरबी की सब्ज़ी तो कई बार बनाई होगी, लेकिन आप मेरी तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए। आप हफ्ते में दो या तीन बार ज़रूर बनाएंगे, आपको इतनी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी नई नई रेसिपी आप तक पहुँच सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी, जिसे घुइयाँ भी कहते हैं। ये देखिए, मैंने इसे छील करके इसे मैंने लंबा काट लिया था। आपको जिस तरह भी काटना आप काट सकते हैं। और इसे मैंने 15 मिनट पहले इसमें नमक लगा करके इसे मैंने ढक करके रख दिया था। और ये मैंने लिया है 4 छोटी प्याज, अगर आपके पास बड़ी है तो आप 2 ले सकते हैं। और ये मैंने 1 पोटी लहसुन का लिया है, आधा टुकड़ा अदरक का लिया है, ये मैंने 10-12 मेथी दाना लिया है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको ऐसे ढक लूँगी और इसको हम इस तरह से हिलाएंगे, इसको भपाएंगे। इस तरह से हमें कम से कम 5 मिनट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने कर लिया था। ये देखिए, ऐसे करने से ये जो इसमें का ये चिकनापन होता है, ये देखिए ये चिकनापन निकल रहा है। अगर आपसे नहीं हो रहा, आप इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। और इस तरह से जो भी इसमें का बादी होती है, क्योंकि ये अरबी, तो ये पूरा बादी निकल जाएगा। इसमें का जो चिकना रहता है, इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से धोएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें पानी डाल ली हूँ। और इसे हाथों से इस तरह से हम इसे मस लेंगे। जो भी इसमें का चिपचिपापन है, जिससे लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारे गले में खुजली हो रही है और ये नुकसान करती है और ये खाने में हमें चिपचिपी लगती है, ऐसे करने से बिल्कुल भी नहीं होगी। आप इसी तरह से इसे धोएं। सबसे पहले इसे धोना, ये देखिए पूरा चिकना जितना भी इसमें होता है ये सब निकल जाएगा। और अब हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। देखिए, इसे मैंने अच्छे से धो लिया, इसमें का एकदम चिपचिपापन निकल गया। और अब हम इसे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे कुकर में बनाएंगे। ये हम इसमें राई का तेल ऐड करेंगे। आप जो तेल खाते हैं उसका इस्तेमाल करें। ये देखिए, अब हम इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे। हींग से क्या होता है, मेथी दाना से आपको ये नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि ये बादी होती है। और ये मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको पीसेंगे नहीं हम, काट कर ही डालेंगे प्याज को। और अब हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज जो है हल्की सी गोल्डन हो गई है। और अब हम इसमें अरवी ऐड कर देंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार इसमें ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। 3 मिनट के लिए अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है। दो मिनट हो गए हैं, इसे हमने प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने लिया था। इसे भी 2 मिनट के लिए इसमें भूनेंगे। और इसी में हम 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए। और इसे इसमें भून लेंगे 2 मिनट। इसे अच्छे से हमने भून लिया है। और इसमें कुछ गरम मसाले ऐड नहीं करूँगी मैं,
ऐसे ही बनाऊंगी। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इतना ऐड करेंगे ताकि ये एक दो सीटी में ही गल जाए, क्योंकि अरबी है जल्दी गल जाती है। और अब हम इसमें सीटी लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दो मिनट में सब्ज़ी रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इसमें कोई मसाला नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी टेस्टी सब्जी ये बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अरबी की सब्ज़ी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके फ्रेंड मेरी वीडियो को शेयर करिए।